सकता हूं। यहां तक तो सबको क्लियर हो गया। कुछ नंबरों की विशेषताएं देख लेते हैं। नंबरों की जब विशेषताएं देखेंगे ना, तो हमारे एक महीने में 31 दिन होते हैं मैक्सिमम, 31 से ऊपर ही आ सकते। 31 के 31 दिन की विशेषता अलग है, पहली बात तो ये। 3+1 4 बनता है, बट 4 वाले की विशेषता अलग है, 3+1 वाले की अलग होगी, और 2+2 वाले की अलग होगी, और 1+3 वाले की अलग होगी। इन चारों की विशेषता अलग होगी। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि इन 31 के 31 लोगों की विशेषता क्या है, ठीक है। इसके बाद एक 100 से प्लस, पहले जो 99 नंबर आते हैं, 100 में से 99 नंबर आते हैं, तो 99 नंबर की भी विशेषता अलग है, वो भी हम देख लेंगे एक बार। उसके बाद 100, 200, 300, 500 तक ले जाके ऐसे 1000 नंबर तक करेंगे 100 के मल्टीप्लिकेशन में, उनकी भी अपनी विशेषताएं हैं, वो भी एक बार देख लेंगे। तो नंबरों की एक बार विशेषताएं देख लेंगे पहले हम। उसके बाद हर अल्फाबेट की अपनी एक विशेषता है, तो हर अल्फाबेट की एक विशेषता देख लेंगे। तो यहां तक तो हमारा बेसिक्स पूरा हो जाएगा, ठीक है। जब हमें नंबरों की विशेषता पता चल गई, अथॉरिटी की विशेषता पता चल गया, अगर हमने ये विशेषताओं पर ध्यान दे दिया, कॉम्बिनेशन बनाना बहुत आसान है। जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं उनकी विशेषताओं से बनते हैं, ये सिंपल सा रूल है। जितने भी मेडिकल साइंस, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, सॉरी मेडिकल न्यूमरोलॉजी करते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी करते हैं, फलाना ढिंकाना न्यूमरोलॉजी होती है, उन सब में कुछ नहीं होता, नंबरों की विशेषता होती है। अब एक बार नंबर की विशेषता समझ में आ गई, तो ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा नंबर किसका कंपेटेबल है और कौन सा नंबर किसका कंपेटेबल नहीं है, ये समझ में आ जाएगा। अब इसको स्टार्ट हम ऐसे करते हैं कि अगर कंपेटेबिलिटी के हिसाब से देखें, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन सा नंबर किसका कंपेटेबल है या नहीं है। अब आप देखें, सूर्य को राजा बोलते हैं सब लोग, ये बात ठीक है, सूर्य को राजा बोलते हैं। अगर सूर्य राजा तो चंद्रमा उसकी रानी, चंद्रमा उसकी रानी। एक नंबर से, नंबर से बात करते हैं, चलो एक नंबर राजा तो दो नंबर उसकी रानी, एक नंबर राजा तो दो नंबर उसकी रानी, तीन नंबर उन दोनों राजाओं को जो उनको राजा को जो गाइडेंस देगा वो कौन है, वो पुरोहित है। कौन है? वो गुरु है, राइट, वो गुरु है, वो पुरोहित, वो गुरु, वो मार्गदर्शन, वो व्यक्ति जो मिनिस्टर जो जो कि राइट पाथ बताए, तो गुरु है। तो राजा आया, रानी आया, गुरु आया, ठीक, नंबर तीन आ गया। नंबर चार, नंबर चार क्या, नंबर चार कितनी विशेषताएं हैं नंबर चार की? नंबर चार दबंग भी है, नंबर चार गेटकीपर भी है, नंबर चार वो एक्टिविटी है जो वक्त के अनुसार काम आती है। आप यू कैन टेल लाइक स्टेपनी, जैसे पहले वाले स्कूटर आते थे ना, उसके पीछे स्टेपनी लगी होती थी। आजकल तो स्कूटर स्टेपनी का जमाना खत्म हो गया, गाड़ी के अंदर स्टेपनी होती है, राइट। तो नंबर चार इज अ स्टेपनी विच कैन बी यूटिलाइज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एक्चुअली दैट इज अ खूबी ऑफ नंबर चार। इट इज मोस्ट मैनिपुलेटेड, मोस्ट दबंग एंड जरूरत पे पैर दबा के भागने वाला, ठीक। तो नंबर चार इज ए मोस्ट अपॉर्चुनिस्ट नंबर, जहां मौका मिला वैसा मौके पे चुका, सिंपल, दबंग, डरता नहीं। तो राजा आया, रानी आया, रानी के साथ एक ज्ञान मंत्री आया, एक ज्ञान मंत्री आया तो एक सिपाही की जरूरत पड़ेगी, एक दबंग की जरूरत पड़ेगी, एक बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ेगी, वो चार नंबर से आ गया। अभी सारे आ गए तो फैमिली बनानी है, फैमिली बनाने के लिए नंबर पांच चाहिए, प्रिंस। राजा रानी का मिलाप हुआ, प्रिंस आया, नंबर पांच आ गया। अभी प्रिंस आ गया, प्रिंस आ गया तो प्रिंस के लिए एक पुत्र वधु भी चाहिए, तो पुत्र वधु के नंबर रूप में नंबर छह आ गया, पुत्र वधु भी आ गया नंबर छह, ठीक। अब पुत्र वधु क्या है आज के तरीके से, अगर थोड़ा रिलेट करो, इज ए मोस्ट इनोवेटिव, क्योंकि पूरे परिवार को चलाना या बिगाड़ना, पुत्र वधु मोस्ट इनोवेटिव, मोस्ट जुगाड़ू, ठीक। आज के नियम के अनुसार सारे जुगाड़ उनको आते हैं, तो पुत्र वधु आए, एक प्रॉपर इनोवेशन आया, एक प्रॉपर जुगाड़, ठीक। सारे चीज हो गई, पूरी पूरी फैमिली हो गई, सब आ गया, गुरुजी भी आ रहे और सिपाही भी आ गया, पुत्र वधू और प्रिंस भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो अब हमारे को चाहिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, अब हमारे को पड़ेगी अंतर्ज्ञान की जरूरत। अंतर्ज्ञान में चाहिए क्या? अंतर्ज्ञान में शैडो, अंतर्ज्ञान में धुआं,
अंतर ज्ञान में है अंधकार, चाहे सफेद हो चाहे सफेद रोशनी हो, चाहे अंदर में धुआं मिले। अब चाहिए अंतर ज्ञान, अंतर्मुख, ठीक। तो सात भी आ गया। अब जब सारे फैक्टर पूरे हो गए तो कोई प्रॉब्लम को जजमेंट भी तो करेगा, कोई जज भी तो होगा, विच फाइंड दी राइट और रॉन्ग के बीच में कोई बुनियाद पैदा करे, या राइट और रॉन्ग के बीच में कोई ये फाइंड आउट करे भाई विच इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो समबडी हु कैन एबल टू जज द सिस्टम, दैट इज जज। तो शनिदेव जज आ गए, शनिदेव के रूप में जज आ गए। अब राजा के पास पूरा सिस्टम रेडी है, अब राजा को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, इस सिस्टम को हैंड ओवर दे दे किसी को और उसको बोल भाई अपने सिस्टम चला ले, मैंने तो बुला दिया, मैं करूंगा अपनी जरा, लेट मी एंजॉय माई लाइफ एंड यू रन द सिस्टम, एंड दैट इज कॉल्ड मंगलदेव कमांडर इन चीफ, दैट इज कॉल्ड मंगलदेव कमांडर इन चीफ। मंगलदेव जी आओ, सेनापति जी आओ और अपनी ये आपको डोर थमा दी, नाउ यू टेक केयर ऑफ द कमांड एंड यू रन द कमांड सिस्टम, नाउ लेट मी एंजॉय, दैट्स अ राजा, दैट्स अ राजा, लेट मी एंजॉय। ठीक, अब जहां बात आ गई कि लेट मी एंजॉय दैट्स द राजा, अब बात यहीं पे आ गई कि पहली बात जब राजा बोला जी मुझे तो थोड़ा सा टाइम दो, लेट मी एंजॉय, तो राजा है ओरिजिनेटर। अभी तक हमने क्या किया, राजा था तो सारी पंक्ति बना दी हमने, राजा ओरिजिनेटर हो गया, सीधी बात, दो टुक सीधी बात, मतलब की बात, ना फालतू का लपेट इधर ना फालतू का लपेट उधर, सीधी बात, नो बकवास, टैगलाइन, हर चीज को ऑर्डिनेट करना, बात कड़क करना, स्टेट, फालतू की जरूरत नहीं, नो बकवास, ना सुनने का आदि ना सुनाने का आदि, स्टोरी सुनने में लीस्ट इंटरेस्टेड। बहुत लोग स्टोरी सुनाते हैं ना, हर बात को स्टोरी की तरह से बताते, स्टोरी टेलर, पांच नंबर वाले मिलेंगे आपको स्टोरी टेलर, बढ़िया स्टोरी टेलर, पांच नंबर वाले, छह नंबर वाले मिलेंगे आपको स्टोरी टेलर बढ़िया, तीन नंबर वाले भी बढ़िया स्टोरी टेलर। बट राजा मेरे पर टाइम नहीं है, आई डोंट हैव अ टाइम, व्हाट इज द राइट, व्हाट यू वांट टू से इन फ्यू वर्ड्स एंड स्टेट, नो स्टोरीज। थोड़ी विशेषता जानते हैं इनकी, ये होते कैसे हैं, एक नंबर वाले लोग, इनकी लीडरशिप राजा है, राजा की लीडरशिप पर चैलेंज थोड़ी है, मान राजा, राजा के जो गुण वो लगा दो नंबर एक पे, सारे स्ट्रॉन्ग पावरफुल, नॉट मस्कुलर पावर बट पावरफुल पावर है ना, डिटरमिंड, एक्शन ओरिएंटेड, डिटरमिंड, जो करना ठुक जाएगा, डरता नहीं राजा है, एनालिटिकल स्किल होगी, शार्प इंटेलिजेंस होगा, माइंड होगा, दिमाग तो होगा राजा है, प्लान करने योग्य इंसान है, प्लान कर सकता है, कॉन्फिडेंट है राजा है, जो क्रिएटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी क्रिएट कर सकता है राजा है, डिसिप्लिन में अगर राजा नहीं होगा तो फिर कौन होगा डिसिप्लिन में, ऑनेस्ट अगर राजा नहीं होगा तो फिर कौन होगा, तो डिसिप्लिन है, ऑनेस्ट है राजा है। अब राजा में अगर बॉसी एटीट्यूड नहीं होगा तो अब बॉसी एटीट्यूड किसका होगा, राजा, और राजो में ईगो और एरोगेंसी नहीं हुई तो सिपाही में तो होगी नहीं, तो राजा इज एरोगेंट एंड इगोइस्टिक बोथ, जंगल का राजा, राजा शेर, तो मैं जो बोलूंगा होगा तो वो, नहीं तो बहस होगी, मैंने बोला तो कर लो, नहीं तो बहस, तो एक नंबर वाले ना आपस में जल्दी से बनती नहीं है, दो एक नंबर आ जाए तो जल्दी से बनती नहीं है, आसान नहीं है बनाना दो एक नंबर वाले, इन्वेंटर होते हैं, इन्वेंट करने की हिम्मत रखते हैं, किसी भी काम को फ्रंट से करने की शक्ति रखते हैं ये लोग, किसी भी कार्य को फ्रंट से करना इन आता है, इंडिपेंडेंट होते हैं, अब बिगिनर होते हैं, रॉयल होते हैं ये लोग, क्योंकि राजा है, लेकिन अड़ियल होते हैं, स्टंट बोन, कड़क,